জানতাম আমি তাহলে আমি পড়াতাম না সরকার সরকার তো বলছে যে ন্যাড়া পড়া করেন আমি জানি না স্যার আমি আপনি আপনি যে এই যে ন্যাড়াগুলো পড়াচ্ছেন তো रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। सरकार के कड़ा निर्देश को लोग दिखा रहे हैं ठेंगा। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। पराली जलाने का मामला पश्चिम बंगाल के हुगली से। फसल काटने के बाद खेत में ही जला रहे हैं पराली। पराली जलाने से बढ़ता है प्रदूषण, किसी को कोई डर नहीं ना फिक्र कि पर्यावरण का क्या होगा। पश्चिम बंगाल हुगली से सरकार के कड़ी निर्देश के बाद भी पुलवा थाना क्षेत्र महानाद पंचायत सुदर्शन ग्राम के इलाके से फसल काटने के बाद खेतों में ही जलाया जा रहा है पराली। 13 बीघा धान काटने के बाद खेत में ही पराली को जला डाला एक खेत मालिक। जब खेतों के मालिक यार आली से पराली जलाने को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी कोई निर्देश नहीं मिला है, खेतों में पराली नहीं जलाना है, पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है, इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता, किसी ने इसके बारे में मुझे आज तक अवगत कराया ही नहीं। हुगली के कई पंचायत का परिदर्शन जब हमारे प्रतिनिधि ने देखा तो कई खेतों में फसल काट लेने के बाद वही खेतों में ही पराली को जलाया गया है। देखने वाली बात अब यह है कि खबर प्रकाशित करने के बाद स्थानीय पंचायत और पुलिस प्रशासन का दखल क्या लेती है। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः आपके साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। গরিব মানুষ স্যার, বুঝতে পারছেন। জমিটা আপনার নিজের? আমার নিজের স্যার জমি। হ্যাঁ, লোকের আমি জমি ঠিকও তাও করি। ওই সরকারি নিয়মে ন্যাড়া পড়ানো বন্ধ স্যার, আমি জানি না। হ্যাঁ, জানি না মানে আপনি ন্যাড়া পড়াচ্ছেন কেন? আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি করবো না। আমি একটাই জমি চাষ করি স্যার আমার। আমি যদি জানতাম আমি তাহলে আমি পড়াতাম না। সরকার সরকার তো বলছে যে ন্যাড়া পড়ানো। আমি জানি না স্যার, আমি আপনি আপনি যে এই যে ন্যাড়াগুলো পড়াচ্ছেন তো